हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अंबाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं डालने जा रही हूँ, ना ही कोई चैलेंजिंग वीडियो है। आज मैं आप लोगों से सतीश भाई के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, सतीश भाई का एक चैनल जो मोनो हुआ था, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो उन्होंने जिस दिन चैनल मोनो हुआ था उसी दिन डिलीट कर दिया। तो अपना मोनो हुआ चैनल डिलीट करने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था, तो उस कारण को ही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने अपना चैनल क्यों डिलीट किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ सतीश भाई के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करने। तो सतीश भाई के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं YT पर, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सतीश भाई ने अपना चैनल जो था मोनो हुआ और वो डिलीट कर दिया। तो वो चैनल मोनो होते ही जिस दिन मोनो हुआ उसी रात में उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत मतलब बुरा लगा कि उन्होंने अपना मोनो चैनल डिलीट कर दिया। लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण था, जो कारण मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सतीश भाई बहुत ही अच्छे दिल के हैं और लोगों की बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से वो बहुत सारे लोगों की LV वगैरह में जाते थे। सतीश भाई मुझे किसी की LV में मिले थे, तो वहीं से उन्होंने मुझे अपना फ्रेंड बनाया था। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था कि उनका कोई चैनल है या नहीं है। तो मैं उनको देखती थी, वो काफ़ी लोगों की LV में जाया करते थे, और जितनी देर LV चलती थी वो उतनी देर उनकी LV में रहते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, उनका दिल बहुत ही साफ। भी उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप भी अपना चैनल बनाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जिस टाइम उनका हेल्प करने का टाइम आया तो सब पीछे हट गए। जिन जिन लोगों का मोनो हो गया, उन लोगों ने पीछे मुड़कर फिर दोबारा नहीं देखा कि किस लोगों ने किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की है। अब उस इंसान को हमारे हेल्प की ज़रूरत है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैंने सुना था कि उनकी किसी से लड़ाई हो गई थी, तो किससे लड़ाई हुई है और मुझे ये इस बारे में नहीं पता है कि किससे लड़ाई हुई थी उनकी। तो लड़ाई हुई उनकी और उन्होंने उस टाइम एक कसम खाई कि मैं अपना चैनल उन लोगों के बिना मोनो करूंगा जिनकी मैंने हेल्प करी है, और अब मेरी हेल्प वो नहीं करें, उनके हेल्प के बिना ही मैं अपना चैनल मोनो करूंगा और चैनल को डिलीट करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा कारण था उनका, जो उन्होंने अपना चैनल डिलीट किया है, ये बहुत ही बड़ा कारण था एक। तो मेरा मानना ये है कि उनको अपना चैनल डिलीट नहीं करना चाहिए, कि हम अपना चैनल ही क्यों, अपना कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, हम किसी की ऐसे इंसान के लिए क्यों ख़त्म कर दें, क्यों बर्बाद कर दें जिसको हमारी कदर नहीं है। ऐसे इंसान के लिए अपना कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं ठीक बोल रही हूँ। वैसे चलो, एक बात मैं उनकी एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने कसम खाई थी तो उन्होंने अपनी कसम पूरी करी है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर कि हाँ, लोग चैनल मोनो करवाने के पीछे मतलब साल दो साल लग जाते हैं, तीन साल लग जाते हैं, तब जाकर कहीं चैनल मोनो होता है, और उन्होंने उनका चैनल मोनो हुआ और उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और उनका दिल कितना साफ़ है। तो चलिए फिर, अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपकी कोई हेल्प करे तो आप उसकी हेल्प को कभी भूलिए मत, और जब भी ज़रूरत पड़े तब भी आप उसकी हेल्प ज़रूर करें, जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है उसकी ज़रूर हेल्प करिए। तो चलिए फिर, अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच।